महाराष्ट्र में सरकार की जंग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, इस पर आज सुनवाई होगी। 90 सेकंड में पूरा अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सड़क पर शुरू हुआ संग्राम अब कानूनी दाव पेचों तक पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर की तरफ से उनको दिए गए नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इस सुनवाई से काफी हद तक ये तय हो जाएगा कि सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल किस दिशा में जाएगा। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक करार दिया है। बागी विधायकों की याचिका की सुनवाई आज जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पार्डीवाला की वेकेशन बेंच करेगी। याचिका में शिंदे गुट ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर का नोटिस गैर कानूनी है। नेता विपक्ष के तौर पर अजय चौधरी की नियुक्ति को मान्यता देने का उनका फैसला अवैध है, क्योंकि ये नियुक्ति शिवसेना के उस गुट ने की है जिसके पास बहुमत नहीं है। डिप्टी स्पीकर के पास अयोग्य करार देने का हक नहीं है। चीफ विहिप को विहिप जारी करने का अधिकार नहीं है। खुद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, ऐसे में वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। शिवसेना के बागी विधायकों में से 16 को नोटिस दिया गया है और उनको आज शाम 5:30 बजे तक जवाब देना है। उधर शिंदे ग्रुप पहले ही भारत गोगावले को नया चीफ विहिप चुन चुका है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस गुट के लिए राहत लेकर आता है। संजय शर्मा, आज तक। तो इस कानूनी जंग पर और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रहेगी नजर। अब बात आदित्य ठाकरे की, क्योंकि आदित्य ठाकरे जमकर विरोधियों पर बरस रहे हैं और ये खुलासा भी उन्होंने किया कि शिंदे को 1 महीने पहले ही सीएम की कुर्सी ऑफर की गई थी। देखिए 1 मिनट की फटाफट रिपोर्ट। बागियों को लेकर पहले उद्धव ठाकरे की कुछ नरमी, मनाने के लिए मनुहार का दौर चला। उद्धव ने खुद इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उद्धव ठाकरे से लेकर उनके बेटे आदित्य ठाकरे तक चुन चुन कर बागियों पर हमले बोल रहे हैं। आदित्य ने शनिवार को बागियों के खिलाफ एक रैली की और रविवार को वो युवा सेना के कार्यकारिणी से मुखातिब थे। इसमें उन्होंने फिर बागियों की खबर ली। इसके लिए उन्होंने एक फिल्मी डायलॉग का सहारा लिया। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। आदित्य ने एक और बड़ी बात कही, जिससे साफ है कि उद्धव को बगावत का अंदाजा हो गया था। आदित्य के मुताबिक 20 मई को ही एकनाथ शिंदे को सीएम बनने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने नामंजूर कर दिया। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद शिंदे ने वही किया जिसका अंदेशा था। आदित्य ठाकरे ने अपने यूथ ब्रिगेड से कहा कि वो घर घर जाकर बागियों के बारे में लोगों को बताए। आदित्य ने ये आरोप भी शिंदे गुट पर लगाया कि कई विधायकों को जबरन गुवाहाटी के होटल में रखा गया है। मुंबई से पंकज खेलकर, आज तक। तो कानूनी जंग और ठाकरे परिवार के वार से तर महाराष्ट्र की घमासान में काफी कुछ अपडेट है। देखिए कुछ फटाफट रिपोर्ट में महाराष्ट्र की सियासी जंग का पूरा हाल। शिवसेना को एक और झटका लगा है। आदित्य ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री उदय सावंत कल गुवाहाटी पहुंचकर एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो गए। सावंत के जाने से अब बागी विधायकों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इसमें 39 विधायक शिवसेना के और बाकी 9 निर्दलीय हैं। शिवसेना के बाकी बचे 2 कैबिनेट मंत्री सुभाष देसाई और अनिल परब विधान परिषद से हैं। शिंदे कैंप में शिंदे समेत 5 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री हैं। संजय राउत अपने करारे हमलों के लिए जाने जाते हैं। पहले वो सरकार बचा ले जाने के दावे करते रहे, लेकिन सियासी जमीन खिसकी तो राउत की जुबान और तीखी हो गई कि 40 बागियों की अब लाश ही आएगी और विधानसभा में उनका पोस्टमार्टम होगा। ये जो 40 लोग तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या, हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्याकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला। हालांकि बयान पर विवाद तो हुआ। राउत ने कहा कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। संजय राउत की जुबान फिसली और उन्होंने 40 लाशों वाला बयान दिया तो बागी खेमे के एकनाथ शिंदे ने इस बयान को लपकने में जरा भी देर नहीं लगाई। शिंदे ने तुरंत पलटवार किया। हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है, इसे हम अपना सौभाग्य समझेंगे। खुद राउत को एहसास हो गया कि उनका बयान हद पार करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। एक तरफ सरकार के लिए कानूनी जंग शुरू हुई है तो दूसरी तरफ शिव सैनिकों ने सड़क पर खुली जंग छेड़ दी है।
औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे के समर्थन में और बागी विधायकों के खिलाफ युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराया। पुणे में भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नासिक में तो एकनाथ शिंदे, दादा भूसे और सुहास कांडे की प्रतीकात्मक अर्थी निकाल दी गई। और ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां शिवसेना के बागी विधायक के पोस्टर पर काली पोत दी गई। जुन्नार में भी उद्धव के समर्थन में रैली की गई। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के जर्मनी दौरे की। हर विदेशी दौरे की तरह जर्मनी के दौरे में वही जोश जुनून दिखा। पीएम ने अपने काम गिनाए और कांग्रेस की खबर ली। 60 सेकंड की फटाफट रिपोर्ट में देखिए। G7 के सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी का म्यूनिख में ऐतिहासिक बवेरियन बैंड के साथ जबरदस्त स्वागत हुआ। संगीत को सुन लीजिए, क्योंकि ये बैंड जर्मनी में बेहद खास मेहमान के स्वागत में ही बजाया जाता है। इससे पहले ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत के लिए बजाया गया था। वहीं म्यूनिख में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने इमरजेंसी की याद दिलाकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 47 साल पहले आज के दिन लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई थी। 47 साल पहले डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। वही पीएम मोदी ने जर्मनी में अपने 8 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कोरोना टीकाकरण से लेकर डिजिटल इंडिया तक का जिक्र किया। महाराष्ट्र के घमासान से लेकर सियासत तक की खबरों के बाद अब फटाफट अंदाज में देखिए कुछ और खबरें। कहीं कुदरत का कहर बरपा तो कहीं लोग सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया। UDF ने इस हमले के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन किए। इस दौरान CPM के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। इन दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। इसके खिलाफ रविवार को CPM ने भी जवाबी कार्रवाई के तहत वायनाड में रैली की। कालपेट्टा में UDF के विरोध मार्च में हिंसा के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद कालपेट्टा में ही CPM ने ये रैली करके एक तरह से विरोध जताया। राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले का आरोप SFI पर है।